हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल EHS टॉक विद अंकुश। और आज हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सीडेंट की टर्मिनोलॉजीज को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि ज्यादातर हम वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट इंसिडेंट के दौरान इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में, हम चार डिफरेंट डिफरेंट एक्सीडेंट इंसिडेंट की टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि एक्सीडेंट इंसिडेंट का एंड रिजल्ट होता है। फर्स्ट कैटेगरी है व्हाट इज फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड कैटेगरी इज व्हाट इज MTC, थर्ड कैटेगरी इज व्हाट इज LTI, जिसका हम बार बार वर्क प्लेस में काम करने के दौरान इस्तेमाल करते हैं अगर कोई इंसिडेंट होता है तो, एंड व्हाट इज फैटेलिटी, फैटेलिटी का मतलब वर्क प्लेस पे क्या होता है। तो इसी ही हम चार टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो और फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मतलब फर्स्ट एड मेडिकल हेल्प दैट गिव यू टू समबडी हु इज हर्ट और इल बिफोर द डॉक्टर अराइव्स। मान के चलिए कि आप किसी डिपार्टमेंट में हो और किसी वर्कर को चोट लग जाए, तो वहां पे जो अवेलेबल फर्स्ट एड बॉक्स है, फर्स्ट एड बॉक्स के हेल्प से आप किसी इंजर्ड पर्सन को अगर सही कर देते हो और फर्स्ट एड देने के बाद अगर उसको सही लगता है और वो वर्क प्लेस पे वापस चले जाता है, अपनी ड्यूटी वापस रिज्यूम कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट एड। वो फर्स्ट एड की कैटेगरीज में फॉल होता है। मतलब देन सेकंड कैटेगरी व्हाट इज MTC। MTC का मतलब है मेडिकल ट्रीटमेंट केसेस। Is any injury sustained on the job by an employee which require medical treatment from a professional physician or qualified paramedic? It does not include on the job first aid and treatment. MTC का मतलब होता है medically treated cases. तो medically treated cases में क्या होता है? इस केस में हमें जनरल फिजिशियन या प्रोफेशनल फिजिशियंस की जरूरत होती है। मेडिकली ट्रीटेड केसेस में और एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। मान के चलिए अगर वो पर्सन मेडिकल ट्रीटेड केसेस में आता है और उसको हम बाहर किसी हॉस्पिटल में भेजते हैं और वो विद इन 48 आवर्स से पहले अगर वो ड्यूटी रिज्यूम करता है, 48 घंटे के पहले अगर कोई पर्सन अपनी ड्यूटी वापस ज्वाइन कर लेता है तो उसे हम मेडिकली ट्रीटेड केस कहते हैं। चोट लगने के बाद अगर कोई एम्प्लॉय आपके फैक्ट्री से बाहर जाता है ट्रीटमेंट के लिए और विद इन 48 आवर्स से पहले ही अगर वो अपनी ड्यूटी रिज्यूम कर लेता है तो उसे हम MTC की कैटेगरी में रखते हैं। देन व्हाट इज LTI? LTI मतलब लॉस्ट टाइम इंजरी। इसका आपने काफी बार इस्तेमाल किया होगा अपने डे टू डे वर्क में। और हम LTI को किस तरीके से समझे, तो चलिए LTI को समझने की कोशिश करते हैं। एन LTI इज एन इंजरी सस्टेन बाय एन एम्प्लॉय दैट लीड टू लॉस ऑफ प्रोडक्टिव वर्क इन द फॉर्मेलिटीज़म और डिले। अ वर्क प्लेस इंजरी इज ओनली कंसिडर एन LTI इफ द वर्कर इज अनेबल टू परफॉर्म देयर रेगुलर ड्यूटीज, टेक टाइम ऑफ टू रिकवर और इज असाइन टू मॉडिफाइड टास्क वाइल दे हील। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी पर्सन को वर्क प्लेस पे काम करने के दौरान अगर कोई क्षति पहुंचती है, कोई दुर्घटना होती है, कोई गंभीर चोट आती है तो उसको हम हॉस्पिटलाइज करते हैं, उसको हम हॉस्पिटल में दिखाते हैं, प्रोफेशनल फिजिशियंस की हेल्प लेती है, और अगर वो पर्सन 48 आवर्स के बिफोर, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, अगर वो पर्सन 48 आवर्स के बिफोर अपने जॉब पे वापस रेज्यूम नहीं होता है, अगर वो 48 आवर्स होने के बाद ड्यूटी पर आता है तो उसे हम LTI के कैटेगरीज में रखते हैं। LTI उस इंसिडेंट को LTI इंसिडेंट लॉस्ट टाइम इंजरी जो है वो माना जाता है। मान के चलिए कि अगर कोई पर्सन को चोट लगी वर्क के दौरान, अगर वो हीलिंग के लिए हमने उसको बाहर भेजा बट वो हील नहीं हो पाया, 48 आवर्स के बाद वो ड्यूटी पे अगर रिज्यूम करता है तो उसको हम LTI की कैटेगरीज में रखेंगे। और इस कैटेगरीज में हमारा प्रोडक्टिव वर्क जो है वो लॉस होगा और हमारा जो भी आपने अब तक सेफ मैन आर्स अचीव किए होंगे वो कंप्लीटली जीरो हो जाएंगे और नेक्स्ट मंथ से वापस आपको शुरू करना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं हम LTI। एंड द फोर्थ कैटेगरी इज फैटेलिटी। तो फैटेलिटी का मतलब होता है अगर किसी पर्सन के साथ एक्सीडेंट हो जाए और वो उस एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाए तो उसे हम फैटेलिटी जनरली फैक्ट्रीज के गाइडलाइंस में कंसिडर करते हैं। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।